लेकिन इसका नॉलेज होना चाहिए और नॉलेज कहां मिलेगा? संगत से। जिसको ये आता है उसके संगत में रहने से इसका नॉलेज आपके पास भी हो जाएगा। तो चलिए उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है अपने आहार और व्यवहार को बदलने की। तो सबसे पहले आप अपने आहार को बदलिए क्योंकि निरोगी जीवन अमीर का सबसे पहला चीज क्या है? निरोगी जीवन, स्वस्थ। हम स्वस्थ रहेंगे तब तो अमीर होंगे, पैसा भी हो जाए और हम हर समय बीमार रहेंगे क्या होगा उस पैसे का? कोई फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें निरोग रहना है। आपके पास रोग नहीं है, आपको निरोग रहना है। रोज दो तीन चीज अपने घर में आज का आज बदल दो। उसमें सबसे पहला चीज है वो है राइस ब्रान ऑयल। तेल को बदलो, अपने भोजन के तेल को बदलो, क्योंकि आज जो मार्केट में तेल मिल रहा है वो 95% पाम ऑयल मिलता है जो विदेश से लाया जाता है। उस पाम ऑयल को गवर्नमेंट मंगवाती है ग्रीस मोबिल बनाने के लिए, लेकिन यहाँ लोगों ने क्या किया, उसको धंधा बना दिया और कम रेट में मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। लोग उसको खा खा करके बीमार हो रहे। तो पाम ऑयल से बचो। अब कितना दाम है इसका? एसोसिएट प्राइस कितना है? 215 रुपया। अच्छा रिफाइंड अभी कितना मिलता होगा धारा का या 190, लेकिन वो क्या नाम है उसका? री फाइन। और इसका क्या नाम है? राइस ब्रान। और इसके अंदर में विटामिन डी, विटामिन ए डाला हुआ है, आपकी रोशनी को बढ़ाएगा, हड्डी की मजबूत करेगा। और दाम कितना है? 215। मैं गारंटी दावे के साथ कहता हूं एक फाइल 190 का लिया और एक फाइल ये लेता हूं और दोनों एक एक किलो आटा सान लो। एक तार कड़ाही में एक किलो आटा को इस तेल में छानो, एक कड़ाही में इस तेल को छानो। वो तेल जल जाएगा, ये तेल 200 ml बच जाएगा। अगर नहीं बचेगा तो मेरे पास आना, मैं आईएमसी को तुम्हारे बात पर उसी समय रिजाइन करूंगा। अपना भोजन पे, क्योंकि ये तेल कम जलता है। इस संसार में जितनी तेल है सब में टेम्परेचर दिया हुआ रहता है, सब तेल का जलने का एक क्षमता होता है और वो क्षमता सबसे बड़ा राइस ब्रान ऑयल है और उसमें भी आईएमसी है। सबसे बड़ी बात है कि आपका तेल कम जलेगा, ये खाना लंबा टाइम टिकाएगा, आपको किसी प्रकार का सेहत पे दिक्कतें नहीं होगा। इतना सुंदर और 215 रुपया, 215 रुपया। और साथ में दोस्त और थोड़ा सा बदलने की जरूरत है आपके लोग, थोड़ा सा और बदलने की जरूरत है। जैसे आप बाजार से गर्म मसाला लेते हैं एमडीएच का हो या एवरेस्ट का हो, कितना दाम होगा? 75-80 रुपया। अपना गर्म मसाला का कितना दाम है? 60 रुपया। बाजार से 70 एक महंगा है। और सबसे दोस्त एक बात बताऊं, इस गर्म मसाला में किसी प्रकार का मिलावट नहीं है। बाजार के मसाला में किसी में बुरादा मिलेगा, हल्दी में तो ईटा का गुंडी मिलता है। 100% शुद्धता की गारंटी है। दाम बाजार से कम है, आपके लीवर को मजबूत करेगा, कभी भी खराब नहीं करेगा। अब ये देखो, ये साबुत जीरा भी अपने पास है, साबुत जीरा भी है, बाजार से कम रेट में है। इस जीरा को उस जीरा को ले लेना, इतना इतना उसको सूखने के लिए डालना पेपर पे और उसको ऐसे से मल करके देख लेना, वो शुद्ध जीरा है या ये शुद्ध जीरा है। अपने से डेमो करके देख ले, अपने आप पता चल जाएगा। साथ में ये चाट मसाला सलाद में खाने के लिए, क्योंकि जनरली चाट मसाला लोग नहीं खाते हैं लेकिन सलाद में खाते हैं, तो घर में एक फाइल ले जाओगे 6 महीना चलेगा। इसके साथ है हमारे पास लाल मिर्ची, लाल मिर्ची थोड़ा डालो,
भरपूर तीखा। इसके साथ साथ हमारे पास है ये धनिया। जानते हो धनिया में बाजार में क्या मिलता है? लकड़ी का बुरादा मिलता है, हल्दी में ईट का गुंदी मिलता है। इस सबसे बचना है, बाजार से कम रेट यहां है। अपने परिवार को, अपने बच्चे को, आने वाले जनरेशन को बचाओ, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। अभी बर्बाद हो रहा है, गवर्नमेंट का चाल ही है, एक तरफ बर्बाद करो दूसरे तरफ उसको चूसो। उसके साथ साथ हमारे पास ये हल्दी है, हमारे पास सेंधा नमक भी है। अगर सेंधा नमक आकर आप यूज करते हैं तब तो आपको लगभग ये नमक से शरीर का 50% बीमारी नहीं होने देगा, क्योंकि मार्केट में जितनी नमक है वो सब मिक्स नमक आ रहा है। और अब हम आते हैं थोड़ा सा, ये तो आपको, और ये 30 जड़ी बूटी से बना हुआ स्किन केयर साबुन है। जनरली आप इसको नहाने में यूज करो, स्किन डिजीज नहीं है तो होने जल्दी नहीं देगा। और एक घर में एक बार जो लगाएगा, मेरा दावा है वो बार बार इसी को ले जाएगा। इतना तो हेल्थ सेक्टर का मैं बात करूंगा तो हेल्थ सेक्टर में 100 प्रोडक्ट है, एक दिन में फरियाएगा भी नहीं। तो कुछ महीने आपको जो एकदम हर घर की जरूरत है वो मैंने बता दिया। पादवा के काउंटर में आप लोग देखेंगे, बुक में देखेंगे, और जहां जो दिक्कत होगा फिर हमसे बात करेंगे। उसके बाद अभी मैंने आपको होम केयर में भी बहुत सारा प्रोडक्ट है, बहुत सारा फेनाइल है, टॉयलेट क्लीनर है, और क्या क्या काउंटर पर देख लेना है, बहुत सारा प्रोडक्ट। लेकिन कुछ जो जरूरत एकदम हर घर का जरूरत है वो हम आपको बताएं। अभी उसी प्रकार ब्यूटी का प्रोडक्ट तो बहुत है, लेकिन दो चार प्रोडक्ट बताते हैं। जैसे हमारे हाथ में फेस वॉश, अब ये अक्सर हम लोग फेस वॉश यूज करते हैं, फेस वॉश यूज करते हैं। बाजार में कई कंपनी की फेस वॉश आती है, आप खुद ट्राई करना, आप लगाते हुए वो और आज इसको ले जाके लगा के देखना, दोनों में फर्क क्या महसूस होगा वो खुद आप अगले दिन से देखो। ये हमको बताने की जरूरत नहीं है, अगर हमको कहोगे तो बता भी देंगे, लेकिन टाइम को देखते हुए। अब ये फेस वॉश, इससे और फेस वॉश हमारे पास दो तरह का है। एक तो है हल्दी चंदन फेस वॉश, हल्दी चंदन सब लोग को पसंद है, नाम भी याद रहता है, हल्दी चंदन, हल्दी चंदन, हल्दी चंदन के साथ साथ एलोवेरा भी उसी नंबर है। और दोस्त एलोवेरा ही दुनिया में ऐसा चीज है जो स्किन डिजीज को खत्म करता है। कोई भी मेडिकल साइंस का किताब उतारो या गूगल पे सर्च करो स्किन डिजीज का मेडिसिन, एलोवेरा ही आएगा। जिसके अंदर एलोवेरा होगा वही स्किन डिजीज को दूर करेगा। इसलिए महिलाएं एलोवेरा का साबुन, एलोवेरा का क्रीम, एलोवेरा का क्यों दुकान पे जाकर खोजती, क्योंकि एलोवेरा ठंडा होता है, एलोवेरा चिकना होता है, एलोवेरा चेहरा को साफ करता है, शरीर को साफ करता है। तो हमारे इसके अंदर एलोवेरा, ये चार को जिसके चेहरे पर परत 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 भरा हुआ साफ नहीं हो रहा, चार को फेस वॉश का मसाज करना शुरू करो, काले से गोरा हो जाओगे, ये नहीं समझना जो बूढ़े गोरा हो जाओगे। इसके बाद जब आप फेस वॉश से चेहरा धो लो, उसके बाद कोई ना कोई क्रीम लगाओगे, हमारे पास 10 प्रकार का क्रीम है, आपको जो लगाना है लगाओ, नहीं तो ये फेयरनेस लो, इसको लगाओ और फेयरनेस एकदम फेयरनेस, कोई टेंशन नहीं। अगर धूप में जाना है तो सनलोशन क्रीम लगाओ, धूप में जाना है तो फेस वॉश से धो करके सनलोशन क्रीम लगा लो, नहीं घर में रहना है कोल्ड क्रीम भी है वो लगा लो, बेरी क्रीम है वो लगा लो, कोई दाग धब्बा है तेलो जेल में तुलसी मिला के लगा लो, मतलब बहुत सारा प्रोडक्ट है हमारे पास। तो चलिए इसके बाद अब सेशन को आगे बढ़ाने चलिए। तो अभी आप लोग डेमो का तो देख ही लीजिए, क्योंकि बहुत सारा डेमो करने के लिए है, मैं अभी करता रहूंगा रात हो जाएगा। आप लोग पहला दिन आए होंगे तो मुझे अंदर से गाली देते होंगे, लेकिन ऐसा है ना, आप जब गाली देते हैं तो भगवान आशीर्वाद देता है, और इसीलिए हम लोगों के साथ लोग का जमावड़ा होता जाता है। क्योंकि दोस्त जब तक आपको बुरा कहने वाला
किया तो आप अच्छा बन नहीं सकते। जो दोस्त आपको मुंह पर बुरा कहे समझना वही तुम्हारा प्यारा सच्चा दोस्त है। और जो तुम्हारा वो क्या कहता है उसको चम्मच पीछे चम्मच चमचागिरी करे उससे दूर रहना, नहीं तो वो बर्बाद कर देगा। तो चलिए, और उस एक बेहतरीन प्रोडक्ट और है जो छूट गया था, सर ने याद दिला रहे हैं, ये भी हर घर की जरूरत है। इसका नाम है एल्डो डाइजेस्ट। और दोस्त ये बना हुआ कोई चीज है और कुछ तो छोड़ दो, ये सूप से बना हुआ है। किसी भी बड़ी बड़ी होटल में जाते हो वहाँ सूप और मिश्री बाद में क्यों दिया जाता है, क्योंकि आपने जो खाया है उस सूप मिश्री के द्वारा वो पच गया, ये बना हुआ उसी चीज से। अगर आपके घर में आपको लगता है कुछ बदहजमी हो रहा है, लगता है डाइजेशन में दिक्कत हो रहा है, लगता है जो कि कलेजे में जलन आ रहा है, आप एक गुनगुना पानी लो एक गिलास, उसमें चार पांच बूंद डालो, पी लो, मुश्किल से 5 से 7 मिनट में आराम हो जाएगा। इतना अच्छा प्रोडक्ट है। और दाम कितना है? 125 रुपए। एक आदमी अगर यूज करेगा ना तो 6 महीने करता है, और 5 आदमी का परिवार है तो 1 महीना चलता है। ये कुछ प्रोडक्ट आपके घर का बैग है, फर्स्ट एड है। तो चलिए, अब हम आप लोगों को फिर से मिलवाना चाहते हैं। हमारा सेशन बीच में अधूरा रह गया था, वो था वैल्यू नहीं। हम लोग अभी तक सुपरस्टार पति वैल्यू में आए थे, उससे आगे भी वैल्यू है नहीं। तुमसे मिलना चाहते हैं? मिलना चाहते हैं? एक बार म्यूजिक बजाए जोर से, सभी लोग अपने जगह पर खड़े हो जाते जोर से। तो चलिए, अब मैं आप लोगों के बीच आप लोग बैठ जाएंगे, और आप लोग अभी तक सुपर स्टार से मिले हैं, उससे आगे भी हमारा लेवल है नहीं, उससे आगे भी लेवल है। समय को देखते हुए केवल लोगों से आपको मिलवा देते हैं, वैल्यू क्या होता है। तो चलिए, एक तरफ से म्यूजिक बजेगा, एक तरफ से जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहते हैं कमांडर स्टेज सिल्वर स्टार। तो ये हमारे सिल्वर स्टार हैं, अब इनका वैल्यू देखिए, बढ़ गया ना सुपरस्टार से, तो आपको भी बढ़ेगा, लेकिन आप लगे रहेंगे। तो थैंक यू, गुड एमसी। तो चलिए, इससे आगे चलते हैं जोरदार म्यूजिक, और जोरदार ताली के बीच बुलाना चाहते हैं। गोल्ड स्टार में, अच्छा एक चीज बताइए, सब लोग कहता है लड़के काम कर सकता, कहता है लेडीज तो कर नहीं सकती है, ये क्या है? लेडीज घर से निकल कर क्या के लिए काम कर रहे हैं? गोल्ड स्टार है ना, लोगों में सम्मान है ना, प्रतिष्ठा है ना, वैल्यू है ना, तो आप भी अपने जनानी को वैल्यू दीजिए ना, काहे उसको बर्बाद कर रहे हैं। चलिए, इसके आगे चलते हैं, और एक जोरदार म्यूजिक के साथ मैं बुलाना चाहता हूँ कमांडर स्टेज रूबी स्टार।
स्माइल। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग यही मुस्कुराते रहिए और जल्दी से जल्दी चेयरमैन बन के आइए। अभी आप लोगों को चेयरमैन बनाते हैं 5 मिनट। तो चलिए एक तरफ से जोरदार मिले कमांडर स्टोरेज डायनामिक स्टाफ। यस तो रहता जानते हैं, क्योंकि डायमंड में पैसा ज्यादा लगता है तो लोग रूबी तक तो आ जाता है, रूबी ले खरीद लेता है और उसके बाद एक के बाद जो है ना वो चेयरमैन का खरीद लेता है, क्योंकि डायमंड में थोड़ा बहुत पैसा ज्यादा करके क्या करेगा। अभी जैसे ये लोग रूबी को देखे थे ना, ये अभी देखिए अगले साल अगले महीना में ये लोग चेयरमैन में आ जाएंगे, डायमंड में नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? चेयरमैन में। एक तरह से जोरदार भेजिए और आप लोग अपने लगावट करेंगे। मंच पर आ जाए, थोड़ा सा हमारे चेयरमैन का हौसला को बढ़ा दें। बीच में आइए ना। यस तो सभी चेयरमैन से रिक्वेस्ट है कि आप केवल परिचय देके आज हम लोगों को इजाजत देते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए कम से कम परिचय आप लोग अपना। नाम डॉक्टर मदन नागर, नोएडा से, और आईएमसी में चेयरमैन स्टार लेवल, और मेरे ग्रेट अपलाइन श्री आर के दास जी, और ग्रेट ग्रेट अपलाइन जैसे हम सबको बताया प्रेम कुमार जी। तो थैंक यू। गुड एमसी, नाम परवीन कुमार कश्यप, और मेरे अपलाइंस नागेंद्र जी, संतोष शाह और आर वी पंडित जी, और ग्रेट ग्रेट अपलाइन प्रेम कुमार जी के लिए देना नहीं है, लेकिन एक खुशी का ठिकाना वो बताना चाहूंगा कि इस साल मेरी शादी की सालगिरह में मेरी वाइफ ने मुझको आईएमसी की रिंग गिफ्ट की है। क्या बात है, गुड आईएमसी। नाम सुशांत सिंह, दिल्ली का रहने वाला हूँ, और मेरे जो ग्रेट अपलाइन है मैं चाहूंगा उनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, और मेरी पूरी टीम के लिए, क्योंकि अगर टीम होती तो शायद हम यहाँ ना होते, तो सबसे ज्यादा धन्यवाद टीम का होना चाहिए, इनकी वजह से हम चेयरमैन बने। थैंक यू। माय नेम इज मनोज कुमार, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, और मेरे जो अपलाइन है राजकुमार मंडल जी, और जो मेरे ग्रेट अपलाइन है मिस्टर कौशलेंद्र यादव फ्रॉम बिहार, और कोहिनूर जी के रूम पे हम लोग बैठे हुए हैं, और हम भी यहीं से सीखे हैं और यहाँ तक आए, और पीछे से यहाँ तक का सबक 4 साल 8 महीना लग गया। कितना लग गया? 4 साल। हाँ,
सर ने याद दिलाया कि इनकी सालगिरह है, मेरी भी कल सालगिरह है 11 जुलाई। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि दिल्ली में आईएमसी बिजनेस मिला और दिल्ली में मेरे घर वाले भी मिले, वो भी दिल्ली से, हम यूपी की नहीं है तो दिल्ली वाले से। ठीक है जी, तो सीखे है जबरदस्त सर का मोटिवेशन है, और जब भी सर आते हैं चाहे मैं दिल्ली रहूं चाहे मुंबई रहूं चाहे गुजरात रहूं, मैं जरूर दौड़ के आता हूं और सर का आशीर्वाद लेके आता हूं। ठीक है ताकत, आपको ये निकल का बिजनेस है और हम सीखने आए हैं और सीखते रहे आगे बढ़ते रहे। तो दोस्तों गुड एमसी, गुड एमसी, गुड एमसी, सही बात है। कितना सुंदर बात है, सर लोगों ने आया अपने बारे में बताया, सुन के आनंद कितना आया। लेकिन आनंद हमें तब आएगा जब ये बैठे हुए सब लोग इस स्टेज पर आके कहेंगे आई एम आईएमसी चेयरमैन। गुड़ंजे बहुत सुंदर, और मैं आपको बता दूं कि दोस्त आप कामयाब सब लोग होना चाहते हैं, सब लोग होना चाहते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ होना पड़ेगा, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। आप देने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तो मैं लास्ट में ले लूंगा आपसे, सब लोगों से लास्ट में मैं लूंगा। मैं आप लोगों से केवल आपकी इच्छा को जाना, आप लोग देने के लिए तैयार, अब ये देखना है लास्ट समय में आप देते हैं या मुकरते हैं नहीं। चलिए, तो प्रोडक्ट के सेशन में मैं आपको एक और बेहतरीन प्रोडक्ट बता दूं, जिसको न खाना है उसको न खाना है न पानी में घोर के पीना है, लेकिन आपके बॉडी से लगा हुआ रहना है और आपको स्वस्थ बना के रखना है। उस प्रोडक्ट के बारे में बता दूं, वो एंटी रेडिएशन हर हमारे लीडर के हाथों में चमकता हुआ एक सुंदर सा मैग्नेटिक एनर्जेटिक प्रासरेट, यस आप सभी लोगों के हाथ में। ब्रासलेट एंटी रेडिएशन है, आज सबसे बड़ा घातक है वो आपके साथ आपका दुश्मन, वो मोबाइल। आप सोच करके देखिए, जिसने मोबाइल को बनाया, जिसने मोबाइल को बनाया, आप जाके गूगल पे सर्च कीजिए, बनाने वाला इंसान मोबाइल नहीं रखता है, ये गूगल पे बताया गया है। जिसने इस मोबाइल को बनाया वो खुद मोबाइल नहीं रखता है, क्योंकि उसका कहना है जितना कम से कम हो उतना बगल में रखो उतना ज्यादा लंबा जिंदगी होगा, और जितना ज्यादा उसको साथ में रखोगे उतना जल्दी तुम्हारा मृत्यु होगा, क्योंकि सबसे बड़ा रेडिएशन का कारण है, सबसे बड़ा आपके बॉडी के सेल को वो डाउन करता है, क्योंकि आप यहां बैठे हुए मोबाइल का टावर यहां है कितना बड़ा, और अगर उससे बचना चाहते हैं क्योंकि दूसरा कोई उपाय भी नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, कुछ बचा हुआ नहीं है जिससे बच सकते हैं, लेकिन सावधानी तो रखना पड़ेगा, कहावत में सावधानी गई दुर्घटना हुई, तो सावधानी तो चाहिए, तो सावधानी चाहिए तो आपके पास बहुत ही बेहतरीन है एक ब्रासलेट, उधर से काउंटर से मंगाया जाए एक पीस ब्रासलेट। हमारे पास दो चीज आता है, एक तो ब्रासलेट आता है जिसको हाथ में पहना जा सकता है, एक कार्ड आता है जिसको पॉकेट में रखा जा सकता है, ये दोनों से आपको रेडिएशन से बचाया जा सकता है, आपको माइग्रेन से बचाया जा सकता है, आपको सर में दर्द से बचाया जा सकता है, आपको रात को नींद को बचाया जा सकता है, आपको स्वस्थ रखा जा सकता है। इसलिए दोस्तों उस प्रोडक्ट को हर हाल में आप अगर अपने परिवार को खुश रखना चाहते हैं, खुद खुश रहना चाहते हैं, उसको तो जरूर अपने हाथ में पहनो, जो स्वस्थ होगा उसे कुछ असर नहीं बुझाएगा, लेकिन जिसे भी तकलीफ होगा उसे जरूर महसूस होगा इस ब्रासलेट का। तो चलिए इस ब्रासलेट का एक छोटा सा डेमो करते हैं और दिखाते हैं ये ब्रासलेट कैसे काम करता है, आइए।
कोई नया आदमी है जो आज पहला दिन आए हो? मोबाइल को दे दी, चलिए ब्रेसलेट का डेमो की ब्रेसलेट इनको टच करती इनकी एनर्जी कितनी बढ़ जाती है। अभी देखते सब में एनर्जी पावर इनको हम नीचे झुकाएंगे, देखते हैं झुकते कि नहीं झुकते। मेरी पावर और इनकी पावर में देखा जाए अजी पीछे आपको पूरी ताकत मैं आपको करूंगा बताऊंगा आपको झुकना नहीं पूरी ताकत लगाना पीछे जाना ना आ गया पूरी ताकत नहीं है तू लगा को लगाई सर। और सामने देखिए सामने 17 डिग्री बना हुआ है पीछे में जाना पीछे नहीं जाना क्या होता है पहले से क्लास में पहले अब इसको देखिए मात्र 2 से 10 सेकेंड का खेल है। अब क्या होता है क्योंकि इनके बॉडी में वो ताकत था लेकिन मोबाइल रखने के कारण इनका रेडिएशन के कारण इनका सेल कमजोर था, इनके बॉडी को वीकनेस कर रखा था। लेकिन अभी हम क्या किए हैं मोबाइल को हटा दिए हैं और ब्रासलेट हमने रेडिएशन को रोकने के लिए ब्रासलेट इनके शरीर पे लगा दिए हैं। जो भी रेडिएशन आता होगा हमारा ब्रासलेट खींचेगा उसको रोकेगा और जैसे ही रोकेगा इनके शरीर का ऊर्जा जो है वो बढ़ेगा। तो चलिए अब देखिए अभी पहले की स्थिति और अब की स्थिति में देखना कि क्या होता है। ठीक है सर हम वही करेंगे ना सर बता रहा आप ताकत में लगा सीधे कर रहे के हाथ में चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। दोस्त अच्छा जिंदगी चाहिए तो आज ही खरीद लेना बहुत सारा उपलब्ध होगा। तो चलिए एक जोरदार मैंने आप लोगों से कहा था जो मैं जाते जाते नहीं जाऊंगा मेरा जाने का मन तो नहीं है लेकिन समय इजाजत नहीं देता है, समय इजाजत नहीं देता है क्योंकि जब मैं वहां से चला था तो इतना दूर मैं आप लोगों से मिलने के लिए सुबह से शाम से रात से सुबह हर क्या होना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा तो आप लोग देने के लिए तैयार हैं? चलिए तो आप लोग हमको क्या देना चाहते हैं अपने इच्छा से बताइए क्या दीजिएगा अभी समय नहीं क्या टाइम देंगे अभी सीखना आप लोग हमको क्या दीजिएगा जिससे आपकी कामयाबी हो जाए। आप जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ कोई अगर किसी को गुरु बनाता है साधु संत वहाँ जाता है तो गुरु जी को क्या काम करता है गुरु दक्षिणा क्या देता है कोई खैनी देता है कोई बीवी देता है ना। अगर IMC में आपको कामयाब होना है IMC में आपको बेहतर लाइफ चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना तो आप क्या देना चाहते चलिए आप लोग नहीं बताना चाहते तो मैं मान लेता मान लू मैं ना किसी का घर लूंगा ना किसी का धन लूंगा ना मैं किसी से कपड़ा मांगूंगा मैं सब लोगों से एक ही चीज मांगता हूँ वो है अपना बहुमूल्य समय जो TV देख के बिताते हो जो चाय के दुकान पर बिताते हो जो अपने यार दोस्तों के साथ गपाटी में बिता देते हो
यार दोस्तों के साथ पार्टी में बिता देते हैं, उस टाइम को आज के बाद आईएमसी में दे दो और तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि इंसान का मन है, भटकता रहता है दोस्तों। कामयाबी का कोई फॉर्मूला नहीं है, कामयाबी का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, रोज काम करना, समय से करना, करते रहना और एक दिन कामयाब होकर दिखा देना। अभी हमारे चेयरमैन सर का कल एनिवर्सरी है, सर यहाँ बैठे हुए हैं। आपको मैं बता दूं कि मेरे घर में कितना बर्थडे, कितना एनिवर्सरी बीत गया मुझे पता ही नहीं चलता है, और मैं अपने आईएमसी के काम में सब भूल जाता हूँ। मुझे याद है मेरे बेटे का बर्थडे था, रात में मैं टाटा जा रहा था फोर व्हीलर से, मेरा एनिवर्सरी था, मैं सर के साथ हांगकांग में था, मेरा कल एनिवर्सरी है, मेरी मैडम कल कार खरीद के लाई है एनिवर्सरी के लिए गिफ्ट में, और मैं को सोचना पड़ेगा। टाइम इज द मनी, टाइम इज द वैल्यू। समय बीत जाएगा आपका वैल्यू भी नहीं मिलेगा और आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। समय को महत्व देना है और समय के साथ साथ उस काम को महत्व देना है जिस काम से घर परिवार समाज और देश का सम्मान मिले, उससे बड़ा इस धन दौलत धर्म कुछ नहीं है संसार में। इसी के साथ मैं आज आप लोगों को फिर से हार्दिक स्वागत नमन करते हुए, मैं संजय कुमार आप लोगों से अपने वाणी को विराम देते हुए, आप लोगों का आशीर्वाद लेते हुए, आज मैं यहीं पर फिर से अपने स्पीकर सुच्चा सिंह जी को इस स्टेज पर बुलाता हूं और सभी लोगों को नमन देता हूं।